अमित शाह ने जो कहा एक बार फिर से सुनाते हैं, फिर इस बात पर और आगे बात करेंगे आपसे। सुनाते हैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह ने आज क्या कहा है। तो बंगालपुर रोड शो में भारी भीड़ जुटी है लोगों की, ये बोलते हुए अमित शाह और ये कहते हुए कि विकास से भटक गए हैं, बंगाल में परिवर्तन तय है, ये कहते हुए अमित शाह। और ये कहीं ना कहीं एक टोन सेट करता हुआ रविशंकर दत्ता मुझे दिख रहे हैं। रविशंकर दत्ता देखिए हमारे साथ यहाँ पर, बंगाल की तमाम पार्टियों के बड़ी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे साथ यहाँ पर, खाली लेफ्ट पार्टी से कोई नहीं है, कांग्रेस से भी हैं, टीएमसी से भी हैं। ये सब सिरे से खारिज कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के दौरे को अमित शाह के, लेकिन क्या आप ग्राउंड पर महसूस कर रहे हैं और क्या ये दौरा टोन नहीं सेट करता है पश्चिम बंगाल में चुनावों को लेकर? देखिए हर एक राजनीतिक पार्टी का अपना अपना एक ढंग होता है, अपना अपना एजेंडा होता है, लेकिन आज ग्राउंड जीरो पे खड़ा होकर हकीकत मेरे लिए मेरे सामने इतना ही है कि बीजेपी का जो रैली आज हुआ है ये सिर्फ बाहर का जिले से लोग लाके ये रैली नहीं हो सकता, ये जनसैलाब जो देख रहे हैं ये स्वतस्फूर्त है। इसका मतलब यह है कि लोग ऐसे नहीं आए हैं, लोग सिर्फ अमित शाह को सिर्फ देखने के लिए नहीं आए हैं, कहीं एक समर्थन है, अंदर से कोई आक्रोश है, इसके चलते आज यहाँ पे लोग शामिल हुए हैं। बीजेपी का जो प्रवक्ता है, जो कार्यकर्ता है, वो तो आई है, लेकिन इसके संग संग आम लोग जो है अपना बैल्कनी पे, घर के खिड़की से, छत पे, जहाँ पे उन वो हो सके वहीं पे वो खड़े हो गए और वहीं से अपना लगातार। इसके बाद कुछ कहने को कहाँ बाकी रह जाता है। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।